लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर उत्तर प्रदेश चुनाव का नया नैरेटिव है। अखिलेश यादव के चार करीबी नेताओं पर आयकर विभाग के छापों पर पूरी समाजवादी पार्टी आक्रामक हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव, आयकर विभाग के छापे और अब पोस्टर्स की राजनीति। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक पोस्टर है। ये कहां लगा है? ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के जस्ट बाहर लगा है। अगर आप पोस्टर पर जोर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो लिखा है, मैं वो पढ़ के दोहराऊंगा। हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स प्लस CBI प्लस ED इक्वल्स टू BJP, यानी कि इन तीनों सेंट्रल एजेंसीज को BJP बताने का इस पोस्टर के जरिए प्रयास किया गया है। रेट पर संग्राम के बीच अखिलेश ने समाजवादियों के फोन टैपिंग के आरोप भी जड़ दिए कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश से अलग होकर भले चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब जब चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है तो खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अखिलेश के सुर में सुर मिला दिया है। मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है? विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए, पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और देश में हिंदुस्तान की का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। पहले भी चुनावों के पहले सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। इनका बोखलाट, ये चोर की दाढ़ी में तिनका की सेवाएं कुछ। लेकिन इससे पहले यूपी के चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी इसे और हवा दे, BJP जोर शोर से आरोपों को चुनावी बता रही है। IT के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था क्या? आखिर इनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला BJP के समय का मामला तो नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार का समय का मामला है। जिन लोगों ने गलतियां की होंगी, जिन जिम्मेदार होंगे, वो प्रोसीजर वाइज उसके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी का सरकार के साथ या हमारे किसी मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ कोई संबंध नहीं है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हर पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और चुनावों के ऐलान के पहले ही जब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल पड़ा है तो अभी तो असली जंग बाकी ही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।